बस आज का मैं ये वाला व्लॉग रखने वाला हूँ टोटली रो, मतलब कोई भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट नहीं डालने वाला एक्स्ट्रा जो मैं डालता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। तो देखते हैं कि इस वीडियो पे कैसा रिस्पांस आता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:10, मतलब मेरी ड्यूटी है ना अब चेंज हो चुकी थी, अब हो चुकी है मेरी ड्यूटी 4 से 8 वाली। तो यार अभी मैं ड्यूटी दे के आया था 4 से 8 में सुबह की, रात के साथ यार इतनी भयंकर नींद आई, मतलब तुम समझ रहे हो ना जैसे एकदम से नींद आती है और मतलब रुका नहीं जाता, मेरे पे रुका नहीं गया और मैं सो गया और 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए। मैं 8 साढ़े 8 बजे आ गया था, 1.5 घंटे बर्बाद हो गए। तो अभी उठाऊँ मैं, अब पीछे क्या आन लग रहा है, तो अब फटाफट से जाता हूँ बहुत सारे काम करने। सबसे ज़्यादा तो जाकर भूख लगती बहुत से, दूध लेके आता हूँ और थोड़ी बहुत और चीज़ लेके आता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं आज पूरे दिन में क्या क्या करने वाला हो रहा हूँ मैं। ये वाला टाइम अच्छा है, मतलब जो पुराना टाइम था मेरा वो जो हमारा 12:04 का था वो बहुत गंदा टाइम था, पर लेकिन ये वाला टाइम एक्चुअली में ठीक ठाक सा है, वो भी सोया सोया सा हो रहा है मेरा। तो कोई नहीं, चलो अब व्लॉग तो स्टार्ट करनी है जल्दी जल्दी, मुझे रेगुलरिटी के साथ व्लॉग्स लाने की कोशिश करनी है। तो कुछ तू समझा कि देखो क्या गंदगी मची पड़ी है, अब यहाँ को अच्छे से साफ सफाई करनी है मुझे और जब जाके हम यहाँ खाना पीना करेंगे। इतने क्या करता हूँ, इतने बिस्कुट खा लेता हूँ, जाके दूध लेके आता हूँ, उसके बाद केले दूध खाता हूँ, फिर टिफिन आ जाएगा तो मैं टिफिन भी दिखाऊंगा कि कैसा जुगाड़ है टिफिन का, कैसा टिफिन आता है। तो हेलो गाइज, बिस्कुट खा लो। भूख लग रही है बहुत तेज, अब जाकर तेजी में जाकर लेके आता हूँ सामान। चलो तो चल के फटाफट से दुकान से जाके दूध वगैरह लेके आ जाता हूँ। एक ही बात मैं कितनी बार रिपीट कर देता हूँ बोल बोल, क्योंकि ढंग से मुझे इस तरीके के व्लॉग बनाने नहीं आते ना, तो अभी ये भी सीखूँ अच्छे से बनाने कैसे बनते हैं, क्योंकि यही बनाने पड़ेंगे अब तो। तो गाइस जो मैं अभी स्लो मोशन का शॉट कर रहा था उसमें एक बहुत भयंकर कांड हो गया, हमारी थैली गिर चुकी है, सारी गंदी हो चुकी है, तो हमारा पॉकेट कट चुका है। अब जाके पहले से अच्छे साफ करता हूँ, जब जाके एक शॉट भी ढंग में नहीं आता मेरा तो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो तो पहले ऐसे चल के थैली को साफ कर लूँ, उसके बाद रखता हूँ यार, ये भी धोने पड़ेंगे अभी तो मामले, जब रखा जाएगा पहले साफ ही कर लें इसे। ओहो क्या करूँ मैं भी पता नहीं, चलो तो गया, दूध तो अंदर है, दूध बाहर थोड़ी ना। अच्छा। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने अपनी इससे पहले वाली जो वीडियो वो अपलोड पे लगा रखी है, वो अपलोड पे लगा रहा हूँ इस कमरे के अंदर जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं आते है 1 घंटे से, मतलब मैंने कल रात से लगाई थी और मतलब और अब तक भी अपलोड नहीं, मुझे 11 बजे शेड्यूल करी थी मैंने उस ये वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो, और आधा घंटा बच रहा है, 10:30 हो चुके और अब तक वो रह रही है, अब तक अपलोड नहीं हो रही मुझे ना, मेरा यूट्यूब स्टूडियो खुला है जिससे कि मैं उसे शेड्यूल उसका टाइम बढ़ा दूँ 12 बजे कर दूँ, तो यहाँ से पहले मुझे दोबारा से बाहर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो अपलोड हो नहीं पानेगी क्योंकि मुझे कॉपीराइट भी देखने होते हैं ना, जो मैं साउंड डालता हूँ कभी उन पर कॉपीराइट आ जाए तो पहले कॉपीराइट चेक करना है, फिर उसके बाद मैं उसे लाइव करता हूँ वीडियो को। तो चलो पहले बाहर जाता हूँ फटाफट से, टाइम बहुत कम बज रहा है, या तो वीडियो 11 बजे आ जाएगी या तो वीडियो फिर 12 बजे करीब ही आएगी, निकलता हूँ बाहर तेजी से। तो गाइस पिछले आधे घंटे से 1 घंटे होने वाला हो रहा है, 45 मिनट होगी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस चीज के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे रूम में वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही, यहाँ के कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो भी रही है अपलोड, तो यहाँ पे और थोड़ी देर रुकता हूँ अपलोड करके आता हूँ। तो ये होती है, ये हार्ड वर्क होता है यूट्यूब का जो कि करना पड़ता है अपलोड करने के लिए, 11 बजे करनी थी बल्कि नहीं अब 12 बजे अपलोड हो। तो आज गाइस ऐसा करते हैं जरा अपने कपड़े धो लेते हैं, मुझे यहाँ पे आए हुए अप्रोक्सीमेटली हो गया काफी दिन हो गए, मतलब बहुत दिन हो गए, मतलब इतने दिन हो गए कि कपड़ों की लाइन लगी पड़ी, तो आज मैं सोच रहा हूँ अपने कपड़े धो लेता हूँ चल के, कपड़े मेरे हो रहे हैं तो चलो पहले स्टार्ट करता हूँ, कपड़े निकालता हूँ, देखता हूँ कितने कपड़े कर दिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यार ये तो कपड़े इतने सारे निकले, बस हवा निकल गई, मतलब मैं तो धड़धड़ कपड़े बदलता हूँ तो धड़धड़, ये तो पिल्ला लग रहा है पीछे, बैंड बजेगी भाई यार सही में बैंड बजने वाली हो रही है कपड़ों, तो चलो फटाफट से अपना बाल्टी वाल्टी लगाते हैं, पानी वानी भरते हो, धड़धड़ कपड़े धोते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए ना, यू नो पहना तो अच्छे पहनो, वीडियो बनाता हूँ तो अच्छे अच्छे लगने चाहिए ना सब कुछ। चलो तो पहले अपना बाल्टी लगाता हूँ, नहीं बाल्टी कहाँ लगाता हूँ, बाल्टी में मैंने अपनी ड्रेस रख रखी है धोने के लिए, चलो इसमें ही इसे अलग करते हैं, इसे लगाते हैं अपना पानी चलाते हैं, इसे भरते हैं, तब तक निकाल के अपना कर लेते हैं कपड़े धोने स्टार्ट कर, कपड़े क्या है मजा आया है, अब आ रहा है पानी, क्या आ रहा है पानी है?
यहाँ तो हमें कपड़े धोने थे, यहाँ तो पानी भी ना है। अरे भाई रे, मुझे लग रहा है टंकी का पानी खत्म हो गया। अब मुझे तो अभी नहीं पता टंकी का पानी आता कहाँ से, कौन चलाता है टंकी का पानी। ये होता है इसमें दोपहर के टाइम में पानी खत्म हो जाता है, मतलब एक एक घंटे के लिए। अभी 3-4 बजे करीब आएगा, अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, तो घड़ी नहीं पहन रखी, तो 3-4 बजे करीब आएगा जब जाके कपड़े धोऊंगा इतने सारे। ये देखो भाई साहब, टिल्ला लगा पड़ा है, कत्ता ही टिल्ला। यहाँ तो इतने सारे कपड़े मैंने थोड़े से दिन में कर गए, पहन पहन के रोज चेंज करो, तो नए नए कपड़े पहनो सर रोज। अब बहन बजेगी धोने में इन्हें। जरा पानी आ गया क्या, एंड फटाफट से चलो कपड़े धोते हैं, टाइम हो चुका है, ज्यादा बच चुके हैं 4:30, फटफट धोते हैं इतने सारे कपड़े पड़े हैं, जल्दी जल्दी से उठाते हैं। ये रहे हमारे सारे के सारे कपड़े, इतने सारे धोने, देखता हूँ धुल पाते हैं अभी नहीं धुल पाते आज इतने सारे हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे होल से को धो लूँ, क्योंकि यहीं बैठ के धोऊँ आराम से कपड़े, तो यहाँ पे आसानी रहेगी, इसे साफ कर लूँ, फिर यहाँ पे सारे कपड़े गिरता हूँ, चकाचक सारे कपड़े साफ कर देता हूँ। रात होगी, ये देखो पीछे पूरा अंधेरा हो चुका है, घूप अंधेरा, और अभी भी देखो मेरे कपड़े धुलने यहाँ नीचे बाकी है। ओ भाई थक गया तो मैं, इतने सारे कपड़े धुलने में बैंड बज गई, पहली बार धोए इतने सारे कपड़े, इतनी मेहनत दिन से रात कर दी तुम्हारे भाई ने, कपड़े धो दो गए, इतने कपड़े धो दिए, इतने कपड़े धो दिए, किसी ने सोची नहीं होगी, सोची नहीं होगी। फाइनली गाइस काम खत्म हुआ, सारे कपड़े धुल के करीबन 3 घंटे लगे मुझे धोने में। अब लग रही है मुझे भूख, मैं सोच रहा हूँ आज है ना टिफिन नहीं मंगाता, क्योंकि यार टिफिन जो आता है ना हमारा वो बहुत गंदा लगता है खाने में, कोई स्वाद नहीं आता उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ पाव भाजी मंगा लूँ, जोमेटो से ऑर्डर करके यहीं आ जाएगा, अपना दो दूध पी लूँगा, केले वेले खा लूँगा, तो टॉप कम हो जाएगा। एक यार मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा मुंह क्यों सूखता जा रहा है यहाँ, इतना खा रहा हूँ यार मैं अलग अलग तरीके, मतलब घर से तो बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं मुँह पे क्या हो रहा है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार मुँह, पता नहीं कैसे यार मोटा होना, बड़ा भारी हो जाएगा, घर से लग रहा है कि पहले से सूख गया, पर पता नहीं यार खा तो ज्यादा रहा हूँ फिर भी कैसे सूख गया समझ नहीं आ रहा। चलो जो भी है अब ऑर्डर करता हूँ जल्दी से, और आएगा तो दिखाता हूँ तुम्हें भी किस तरीके का ऑर्डर आता है यहाँ पे, पहली बार ऑर्डर करूंगा मैं यहाँ पे आके। चलो गाइस फाइनली अपना ऑर्डर आ चुका है, ये देख रहे हो तुम नीचे, ये हमारा है स्ट्रॉबेरी शेक, इसका डोसा प्लेनेट का, और नीचे ये पाव भाजी, जाके अंदर देखता हूँ घर में, खाने में स्वाद होना चाहिए मेन तो ये बात है। तो चलो गाइस देखते हैं क्या मैटर निकलता है। सबसे पहले ये हमारे लग रहे हैं मुझे पाव है, पैकिंग बड़ी जबरदस्त कर रखी है बेहतरीन, और यहाँ पर ये है हमारा आई थिंक ये भाजी होगी, इसकी पैकिंग भी काफी ज्यादा बढ़िया दे रखी है करके, और अनबॉक्सिंग सी हो रही है, जैसे अनबॉक्सिंग हो रही है। यहाँ पे पाइप हो गई हमारे इसके लिए, स्ट्रॉबेरी शेक के लिए होगा, जो कि मुझे 20 रुपए का पड़ा है मात्र, कूपन कोड की रहमत से। तो देखते हैं खाना मेरा कि खाने में स्वाद कैसा होगा। तो ये गाइस कुछ इस तरीके का मामला निकला है हमारे, इतने पाव निकले हैं, इधर ये हमारी पाव भाजी निकली है, अब बस मेन तो इसका देखना है खाने में स्वाद होना चाहिए, और ये भी पी के देखते हैं डोसा प्लेनेट का स्ट्रॉबेरी से कैसा लगे पीने में। एक नंबर का सेक गाइस, बेहतरीन पीने में बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा, तो यार मेरे पैसे 120 रुपए वसूल हो गए, बेहतरीन। चलो डेस्ट गाय फ्रोडे, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैंने इसमें थोड़े से कमी साउंड वगैरह यूज़ करने की कोशिश करी है, इस बार उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आई होगी। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एज ऑलवेज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू द गुड थिंग्स ओनली, सो बाय गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो। अब अगली में भी देखता हूँ, अगर फिर रिस्पॉन्स अच्छा सा है तो कमी साउंड डालने की कोशिश करूँगा, थोड़े से रो व्लॉग से ही बनाने की कोशिश करूँगा, सो बाय। We'll keep it together 'cause it keeps getting better.